अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज राय मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास नाइन्थ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर एट का टॉपिक वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर एट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द टॉपिक एट एट थर्मल एक्सपेंशन इसका हम सब टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन सो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या है जैसे मैं डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन मीन के किसी भी सब्सटेंस को हीट करने से उसमें जो एक्सपेंशन होती है इसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन और अगर थर्मल एक्सपेंशन आपकी लेंथ में हो तो उसे हम कहते थे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन सिमिलरली अगर थर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम में हो तो उसे आप कहेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन सो द डेफिनेशन इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो चेंजेस विद द चेंज इन टेंपरेचर इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन सो आप किसी भी सॉलिड को हीट करें उसका टेंपरेचर राइज़ करें सो टेंपरेचर चेंज करने से क्या होगा कि उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा सो so, जब वॉल्यूम में चेंज आएगा चीज को हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और इसका एक और नाम भी है इनिशियल वॉल्यूम एट सर्टेन टेम्परेचर टी नॉट सो लेट एक रॉड like, so, है जिसकी लेंथ हमने डिस्कस की थी एल नॉट है अब लेट कि उसका वॉल्यूम वी नॉट है और सिमिलरली अब वॉल्यूम वी नॉट है कि उस पॉइंट पर उसका जो टेम्परेचर था दैट इज नॉट अब आपने वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है और सिमिलरली आपने टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया है सो so, ये कितना इंक्रीज हुआ है ये हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे सो नाउ वी कैन फाइंड इट एज इंक्रीज इन टेम्परेचर विच ज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी और ये हम फाइंड करते हैं टी माइनस टी नॉट से एंड सिमिलरली इंक्रीज़ इन वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से और इसको हम फाइंड करेंगे वी माइनस V0 से क्लियर सो so, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये बेसिकली डिपेंड करता है ओरिजिनल वॉल्यूम पर और आपके टेम्परेचर चेंज पर क्या आप कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं सो द चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन

जितना आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा इनिशियली उतना वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा और जितना आप टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस लेकर आएंगे सो उतना ज्यादा उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा सो वी कैन से हियर दैट चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड द चेंज इन टेम्परेचर सिमिलरली जब प्रोपोर्शनलिटी हम खत्म करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है एंड हे इज द कॉन्स्टेंट बेटा एंड बेटा इज द कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं यहां पर मैं इसको डिनोट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर वन से आंसर मिल रही डेल्टा वी हमने भी डिस्कस किया डेल्टा वी दैट इज वी माइनस वी नॉट सो वी माइनस वी नॉट बेटा वी नॉट डेल्टा टी वी नॉट माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा सो वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बेटा v नॉट डेल्टा टी और सिमिलरली v नॉट जब आप कॉमन लेंगे तो यहां रह जाएगा वन प्लस बेटा डेल्टा टी क्लियर सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन के जिसे हम ये बता सकते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर में इतना चेंज होगा तो आपका नेक्स्ट जो वॉल्यूम है जो कि वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा तो कितना चेंज वॉल्यूम में आएगा क्लियर So, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा को बेटा विच इज द दफिशियंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और ये क्या है कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर आप पर कैल्वन टेम्परेचर में चेंज लेकर आते हैं तो उससे आपके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा और अगर आपको बीटा की वैल्यू मालूम हो तो इससे आप इजीली बता सकते हैं कि अगर कहीं पर टेम्परेचर में इतना चेंज आएगा कि गर्मी में हमें, हमें पता है कि गर्मी में कितना राइज कर जाता है सो so अगर टेम्परेचर इतना राइज करेगा तो तब इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा सो बेटा विच इज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट ऑफ वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम डेल्टा वी इज इक्वल टू बेटा वी नॉट डेल्टा टी सो हमें बेटा रिक्वायर्ड है तो वी नॉट डेल्टा टी यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा और बेटा का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर

As fractional change in volume per Kelvin change in temperature. ओके okay. सो so, अगर आपके टेम्परेचर में पर कैलविन चेंज आएगा तो इससे आपका वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा सो so, बेटा इज द मोस्ट फैक्टर इसी के साथ एक एक साइड बॉक्स में में आपको बुक साथ्यूम कॉफिशेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यूज गिवन है और यहां से आप इजीली बता सकते हैं कि इस सब्सटेंस में अगर हम इतना टेम्परेचराइज करेंगे तो तब जाकर इसके वॉल्यूम में इतना चेंज आएगा क्लियर सो so, अब हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ये किस तरह से आपस में रिलेट कर रहे हैं सो द रिलेशन बिटवीन द कोफिशेंट ऑफ ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन And volume thermal expansion this one is alpha and this one is beta. So, is related as बेटा इज इक्वल टू थ्री एल्फा एंड अगर आपका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन थ्री टाइम इंक्रीज करेगा तो तब जाके वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में वन टाइम इंक्रीज आएगा क्लियर सो so अब आप यहां पर देख सकते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो बहुत स्मॉल होती है और जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशियंट है वो बहुत लार्ज है दैट मीन कि इसका पर कैलवेन राइज में कितने लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज आएगा क्लियर सो आई होप आपकी लेक्चर समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज